सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय तटरक्षक बल अदालत के निर्देशों के बाद सेना वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को स्थायी आधार पर शामिल करने के बावजूद महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने का विरोध कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फैसला करने की मंशा जाहिर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया सी जे चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ ने रक्षा सेवाओं भारतीय सेना वायुसेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से नियुक्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के शीर्ष न्यायालय के हालिया फैसलों के आलोक में यह आदेश दिया यह आदेश तब आया जब अदालत अधिकारी प्रियंका त्यागी द्वारा दायर एक अपील आरोप सुनवाई कर रही थी जिसे लंबित में उच्च न्यायालय द्वारा उप कमांडेंट के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत ऐसी इनकार कर दिया गया था अदालत ने चार सप्ताह के भीतर संघ द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले को स्थानांतरित मामले के साथ 19 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया है ये याद किया जा सकता है कि अपने हलफनामे में एजी ने सूचित किया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों को समुद्री मिशनों पर भेजने के लिए कई बुनियादी ढांचे में बदलाव किए जाने हैं सीजीआई ने अटोर्नी जनरल से यह भी कहा कि वर्तमान युग में महिलाओं को समान व्यवहार से वंचित करने के लिए कार्यात्मक मतभेदों के तर्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है अगर आपको खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा